साथियों, अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे मार्गदर्शक, जिनकी दिशा निर्देश से पूर्वी क्षेत्र राजभाषा कार्यान्वयन को एक नई दिशा, एक नई गति प्राप्त हुई है। हमारे उपनिदेशक कार्यान्वयन पूर्वी क्षेत्र श्री अजय मल्लिक साहब, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार, वणक्कम, खुर्रम जरी, जोहार। आदरणीय मुख्य अतिथि श्री संदीप आर्य जी, निदेशक कार्यान्वयन एवं तकनीकी राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय। आदरणीय अध्यक्ष श्री आलोक श्रीवास्तव जी, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति उपक्रम कोलकाता। आदरणीय श्री अमिताभ भट्टाचार्य जी, सदस्य सचिव नराकार उपक्रम कोलकाता। मंचासीन आदरणीय श्री एम एम वैद जी, श्री बी बी सिंह जी, डॉक्टर के वी आर मूर्ति जी, श्री अनुपम आनंद जी। विभिन्न कार्यालयों से पधारे कार्यालय प्रमुख गण, मेरे सभी हिंदी सेवी साथियों, उपस्थित देवियों और सज्जनों, कल जैसा कि अभी यादव जी ने बताया, हम अपना गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को हम भारत के लोगों ने अपने लिए एक विधान दिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। उस विधान में हमने अपने लिए बहुत सारी चीजें, अपने सामाजिक दायरे को देखते हुए, सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुए तय की, और उसी संविधान में हमने संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को सर्वसम्मति से मान्यता दी। आप देखिए कि हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष इस आजादी के लिए किया और कितने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आत्म बलिदान किया इस आजादी को पाने के लिए, और हमने आजादी को पाया, अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया। लेकिन अंग्रेजी को हमने पता नहीं क्यों अपने साथ जोड़कर रखा हुआ है। विचित्र बात यह है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उनमें अंग्रेजी नहीं है, फिर भी हम अंग्रेजी को पता नहीं क्यों अंग्रेजों के साथ भगाने में सफल नहीं हो सके। मैं कभी जर्मनी या फ्रांस नहीं गया, लेकिन बताते हैं कि इंग्लैंड से दूरी जर्मनी और फ्रांस की बहुत कम है, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी को अपने अंदर तक अपने देशों में घुसपैठ नहीं कर लिया, लेकिन हमने सात समंदर पार भी अंग्रेजी को अपना, अगर अन्यथा ना लें तो कहूं दिल दिया हुआ है। इस दिल को हमें देना था अपनी भाषा संघ की राजभाषा हिंदी को। चलिए, जो हुआ सो हुआ, अभी भी कोई विलंब नहीं है। वस्तुतः मुझे दायित्व दिया गया है यहाँ पर आपके विभिन्न कार्यालयों में हो रही हिंदी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करने का। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ समीक्षा मैं कर पाऊं, हालांकि इस समीक्षा में सफल होने की संभावना बहुत कम है, और कारण ये है कि 103 सदस्य कार्यालय हमारे बताए जा रहे हैं समिति के, उनमें से केवल 51 की तिमाही रिपोर्टें हमें मिली हैं। इन तिमाही रिपोर्टों में सूचना बड़ी सीमित है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
हर छमाही एक बैठक करती हैं और उस छमाही में सदस्य कार्यालयों में जो भी प्रगामी प्रयोग की प्रगति हुई, प्रगामी का मतलब तेजी है ना, ऊपर जाना, उसकी समीक्षा की जाती है। इसके लिए एक छमाही रिपोर्ट सभी सदस्य कार्यालयों को, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को भेजनी होती है। छमाही रिपोर्ट, तिमाही रिपोर्ट राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर जो पंजीकृत हैं उनकी हमारे पास आती है, लेकिन वो तिमाही रिपोर्ट और इस छमाही प्रगति रिपोर्ट का, दोनों का उद्देश्य थोड़ा भिन्न है। इसी तरह से अभी हमारे वरिष्ठ श्री सरोज जी ने यहाँ पर हिंदी शिक्षण योजना के उपनिदेशक महोदय ने आपसे प्रशिक्षण के बारे में बहुत सारी चीजें आपके सामने रखी। हिंदी शिक्षण योजना को भी एक छमाही रिपोर्ट प्रशिक्षण के आंकड़ों की सभी केंद्रीय कार्यालयों से अपेक्षित होती है और बहुत अच्छी बात होगी अगर ये दोनों रिपोर्टें, नराकास की रिपोर्ट नराकास को छमाही रूप से मिल जाए और हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शिक्षण योजना को छमाही रूप से मिल जाए, क्योंकि तभी चाहे वो भाषा प्रशिक्षण हो, टंकण प्रशिक्षण हो, आशुलिपि प्रशिक्षण हो, अनुवाद प्रशिक्षण हो या कंप्यूटर का प्रशिक्षण हो, तभी उस पे आगे कोई कार्रवाई, कोई गति उसे प्राप्त हो सकती है, जब ये पता चले कि प्रशिक्षण के लिए बाकी कितने हैं, कैसे उन्हें प्रशिक्षित जल्दी से जल्दी किया जा सकता है, क्योंकि वार्षिक कार्यक्रम में प्रशिक्षण का लक्ष्य तो 100% है। और आज से नहीं, वर्षों से, दशकों से अगर मैं कहूं हिंदी प्रशिक्षण के लिए 100% का लक्ष्य है, लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट यहाँ पे मिली है इनमें प्रशिक्षण संबंधी आंकड़े नहीं है, इसलिए मैं उसका बहुत ज्यादा विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा। मैंने ये सारी रिपोर्टें एक नजर देखी हैं, हालांकि मुझे अपेक्षा थी कि हमारी इतनी अनुभवी समिति, इतनी समृद्ध समिति, संभवतः देश की सबसे ज्यादा समृद्ध समिति जिसे सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, वहां से मुझे एक समीक्षा चार्ट समय से मिलता और आप सबको भी उसकी प्रति भेजी जाती, ताकि उसमें अगर कहीं कोई त्रुटि है तो आप समय रहते उस त्रुटि को दूर करा लें और यहाँ समीक्षा से दूर उस पर चर्चा हो जाए। लेकिन ये रिपोर्ट है, मुझे, मैं दौरे पर था राउरकेला में, मैं शनिवार को भी काम कर रहा था, इतवार की सुबह मैं पहुंचा, सोमवार को दफ्तर आया तो पता चला शुक्रवार को रिपोर्टों का 51 रिपोर्टों का एक बंडल आया है, समीक्षा चार्ट उसके साथ में नहीं था। हमने कोशिश की कि अध्यक्ष महोदय से संपर्क हो सके, लेकिन पता चला कि वहाँ सोमवार और मंगलवार यानी कल और परसों दोनों दिन अवकाश है। हमने ईमेल से भी भेजा, कल एक व्यक्ति को भी भेजा कि भाई आप ये चिट्ठी दे आए अगर समीक्षा चार्ट मिल जाए, बहरहाल किसी कारणवश वो समीक्षा चार्ट तैयार नहीं हो सका। हालांकि हमारी इस समिति के पास एक बहुत ही अनुभवी हिंदी अधिकारियों का कोर ग्रुप भी है जो कम से कम ये समीक्षा चार्ट तैयार कराने में कुछ तो मदद कर ही सकता है। मुझे उम्मीद है कि आगे हमें ये समीक्षा चार्ट निश्चित रूप से मिल पाएगा और वो समीक्षा चार्ट जो छमाही रिपोर्ट में अपेक्षित सूचनाएं हैं, छमाही रिपोर्ट में देखिए क्या अपेक्षित है, दो भाग में तिमाही रिपोर्ट बनती है। भाग एक, हर तिमाही आपको राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना होता है और अपने नियंत्रक कार्यालय को भेजना होता है, और भाग दो, भाग एक के साथ केवल जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान आपको राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना होता है। इन दोनों भागों में जितने कॉलम है, इसके अलावा जो समिति की आवश्यकताएं हैं, जो सदस्य कार्यालयों की आवश्यकताएं हैं राजभाषा के प्रगामी उपयोग को बढ़ाने के लिए, उससे संबंधित सूचना के कॉलम इसमें जोड़ करके विस्तृत छमाही रिपोर्ट का समिति के स्तर पर
समीक्षा चार्ट के लिए परफॉर्मा बना के सबको वितरित किया जा सकता है, वहां से सूचना पाके एक अच्छा समीक्षा चार्ट बनाया जा सकता है। जो रिपोर्ट मुझे मिली है उनमें मोटे तौर पर मैं मतलब एक रिपोर्ट पे नहीं जाऊंगा, देखा मैंने सबको है, समय कम था फिर भी मैंने सबको देखा है। मैं पिछली बैठक में भी मैंने आप सबसे निवेदन किया था कि जहां भी हम छमाही बैठक में धारा 3-3 के आंकड़े शून्य होने की सूचना देते हैं या 2-3-4 देने की सूचना देते हैं, वो सूचना संभवतः सही नहीं हो सकती है, क्योंकि धारा 3-3 के अंतर्गत जो 14 दस्तावेज हैं उनमें हमारी सभी स्तरों पर बनने वाली प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्टें भी शामिल हैं। अगर आप शून्य दिखा रहे हैं तो आपकी तिमाही प्रगति रिपोर्ट ये रिपोर्ट शून्य के साथ कैसे अस्तित्व में हो सकती है, तो उस पे थोड़ा सा ध्यान दें कि हर कार्यालय कम से कम एक प्रतिमाह रिपोर्ट भेजता है अपने नियंत्रक कार्यालय को, कम से कम एक, और बहुत सारी रिपोर्टें हैं। इसी के साथ 2 तिमाहियों में 2 तो हिंदी की प्रगामी प्रयोग की रिपोर्टें हो जाती हैं, बाकी सामान्य आदेश में ऐसे पत्र भी शामिल हैं। सामान्य आदेश की एक बड़ी विस्तृत परिभाषा है जिसमें ऐसे पत्र भी शामिल हैं जो परिचालित किए जा रहे हैं। मैं बड़े सरल शब्दों से बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो उन्हें भी आप इसमें जरूर दिखाएंगे। जहां पर कई जगह की रिपोर्ट में विशेष करके जो हमारी बीमा कंपनियां हैं उन्होंने अपनी रिपोर्टों में 1-2 जगह पॉलिसी को कहीं भी पॉलिसी का कॉलम बनाया लेकिन उनका विवरण नहीं दिया है। ये जो भी अनुबंध एवं करार हैं इनका द्विभाषी में हिंदी और अंग्रेजी में एक साथ निष्पादन जरूरी है, निष्पादन जारी नहीं, अनुबंध एवं करार का निष्पादन एग्जीक्यूशन। इन धारा 3-3 के दस्तावेजों पर जो भी हस्ताक्षर कर रहे हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि सुनिश्चित करें कि धारा 3-3 का अनुपालन हो रहा है या नहीं। एक और चीज जो मैंने देखी इन 51 दफ्तरों की रिपोर्टों में, कहीं पर एक कार्यालय कह रहा है कि गा क्षेत्र में हमने, वो एक यूं उदाहरण दे रहा हूं, 3,000 चिट्ठियां हिंदी में भेजी लेकिन मिली केवल 8 या 10। गा क्षेत्र में राजभाषा नियम 1976 के नियम 3-3 को अगर आप देखें तो आपको गा क्षेत्र की राज्य सरकारों, उनके कार्यालयों और व्यक्तियों यानी गा क्षेत्र के निवासियों के साथ पत्राचार में हिंदी का प्रयोग नहीं करना है, अंग्रेजी के प्रयोग की वहां पर संवैधानिक व्यवस्था है। तो जो हिंदी में पत्र आपने 3,000 भेजे ये तो आपने अपने अधीनस्थ कार्यालयों या अपने गा क्षेत्र के नियंत्रक कार्यालय को या हमारे कार्यालय को या नराकास आदि को भेजे, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको हिंदी में केवल 8 ही पत्र मिले? क्या आप 3,000 ऐसे ही पत्र भेज रहे हैं जिनके उत्तर की आवश्यकता नहीं है हिंदी में? एक और चीज मैं यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी द्विभाषी पत्र शीर्ष पर अंग्रेजी का पत्र अगर आप भेज रहे हैं तो उसे हिंदी का गिना जाए। ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है कि आपने महोदय और भवदीय हिंदी में लिख दिया बाकी सब अंग्रेजी में है और आपने उस पत्र को हिंदी का गिन लिया। अभी राउरकेला में शुक्रवार को बैठक थी, वहां पर एक प्रश्न उठाया कि साहब हम पता और नीचे हस्ताक्षर हिंदी में कर रहे हैं, इन्हें आप, इन्हें तो हम हिंदी का पत्र ही मानेंगे ना। तो मैंने उनसे विनम्र निवेदन किया कि अगर आपको ऐसा पत्र मिलता है तो क्या आप उसे राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के तहत हिंदी का पत्र गिनेंगे? बोले नहीं गिनेंगे। मैंने कहा तो फिर आप दूसरों से अपेक्षा क्यों करते हैं? ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, कहीं कोई प्रावधान नहीं है। जहां तक हिंदी में हस्ताक्षरों की बात है, ये बार बार चीज दोहराई गई है कि केवल 3 दस्तावेज हैं जिनके लिए राजभाषा नियम 7 में, राजभाषा नियम 1976 के नियम 7 में व्यवस्था है, वो आउटगोइंग नहीं है, बाहर जाने वाले दस्तावेज नहीं है। कोई कर्मचारी या अधिकारी अगर हिंदी में कोई अपील, कोई आवेदन पत्र या अभ्यावेदन, केवल 3 दस्तावेज
हिंदी में या हिंदी में हस्ताक्षर देता है तो प्रशासन की पूरी ये जिम्मेदारी है कि उस पर सारी कार्रवाई हिंदी में की जाए। और इसके बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय का एक आदेश भी है, इसे आप जरूर देखें, जो 1 मई 2013 को पारित हुआ मिथिलेश कुमार सिंह बनाम भारत सरकार मामले में, जिसमें राजवंश नियम 7 की बड़ी विस्तृत व्याख्या की गई है। और उस आदेश में अंततः यह कहा गया है कि राजभाषा नियम पूरी तरह वैधानिक हैं और इन पर प्रश्न चिन्ह लगाने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर ये नियम माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी पूरी तरह वैधानिक होने का आदेश दे दिया है, निर्णय दे दिया है, तो उसके बाद में नियम 12 के तहत जो हमारे कार्यालय प्रधानों की जिम्मेदारी बनती है संघ की राजभाषा नीति का अक्षर से अनुपालन कराने की, उससे हम में से कोई नहीं बच सकता। और उसी संवैधानिक जिम्मेदारी के तहत आपको अपनी छमाही रिपोर्टें भी नराकाश को भेजनी है। अपनी प्रशिक्षण संबंधी छमाही रिपोर्टें हमारे हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालय को भी भेजनी है। तो इस पे आप विचार करें। कई कार्यालय ऐसे भी मिले जिन्होंने इन रिपोर्टों में भी राजभवन या कार्यान्वयन समिति की बैठकें तक न करा पाने की सूचना दी। मैं पहले भी कह चुका हूं, राजभाषा कार्यान्वयन समिति आपके कार्यालय का अंदरूनी मामला है, उसमें आपको बाहर से किसी को बुलाने की कोई बाध्यता नहीं है। हमारे यहां सूचना देना एक अच्छी बात है, हमें बुलाएंगे, हम लोग आएंगे, कोशिश करेंगे तो चर्चा हम भी वहां पे शामिल उसमें होंगे। लेकिन अगर आप नहीं भी बुला रहे हैं, केवल सूचना दे रहे हैं, तो भी आप बैठक तो कीजिए। हमारे लिए भी क्षेत्र के 4000 कार्यालय में 5000 कार्यालय में जाकर के सबकी समिति की बैठकों में शामिल होना संभव नहीं है। लेकिन क्या एक तरफ आप दावा कर रहे हैं तिमाही रिपोर्ट में, खम रिपोर्ट में हमने साहब 55 का लक्ष्य था लेकिन हमने 70% कर दिया, लेकिन राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक हम नहीं करा पाए जिसमें केवल कार्यालय प्रधान और जो उसके सभी समिति के 4-6 सदस्य, उन्हें तो बैठ करके तिमाही रिपोर्ट पे चर्चा करनी है, तो उसे अवश्य आप कराइए। इन रिपोर्टों में एक और जानकारी मुझे मिली है कि कई जगह पर हिंदी कार्यशालाएं कहीं 1 घंटे की, कहीं 2 घंटे की, कहीं 2.5 घंटे की गई है। देखिए राजभाषा विभाग ने, हमारे निदेशक महोदय यहाँ पे हैं, उन्हीं के कर कमलों से हस्ताक्षरित एक निर्णय पिछले वर्ष फरवरी में आप सब तक पहुंचाने के लिए नराकास को भी हमने भेजा था, जिसमें कहा गया है कि नराकाश हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन इस प्रकार किया जाए कि हिंदी जानने वाले प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को 2 वर्ष में कम से कम 1 बार इन कार्यशालाओं में प्रशिक्षण पाने का अवसर मिल सके, और ये कार्यशालाएं कम से कम 1 पूर्ण कार्य दिवसीय, नहीं 1 घंटे, आधे घंटे। कई कार्यशालाओं की हमारे पास रिपोर्ट आती है कि हमने कार्यशाला 5:30 बजे शुरू की, शाम को 6 बजे तक हो गई। तो ऐसी कार्यशालाओं से जो हमारा लक्ष्य है हिंदी जानने वालों को अभ्यास अगर छूट गया है हिंदी में काम काज करने का, तो वो कर सके, वो चीज वहां पर आ सके। इससे ज्यादा मैं आपकी रिपोर्टों के बारे में, क्योंकि आपने अधिकांश जो रिपोर्ट है उनमें केवल भाग एक है जिसमें, और अच्छा एक और चीज मैं कहूंगा कि ये भाग एक भी सबका एक जैसा नहीं है, भाग एक में भी अलग अलग तरह के कॉलम है। राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर आप देखिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट का नया प्रपत्र उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है सूचना प्रबंधन प्रणाली के तहत जाके, ठीक है ना। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक वहां पे मध है, उसमें चले जाएं, महत्वपूर्ण सूचनाओं का मध है, उसमें आपको रिपोर्ट का परफॉर्मा दोनों भाग मिल जाएंगे। बैंकों का अलग है उपक्रम और केंद्रीय कार्यालयों का अलग है, उसे आप ले लें और उसे अपने यहाँ पर सही से उसकी प्रक्रिया शुरू करें। इसके बाद मैं एक और महत्वपूर्ण चीजों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। सबसे पहले राजभाषा विभाग द्वारा 3 मार्च 2017 को कोलकाता में एक तकनीकी संगोष्ठी 1 दिवसीय आयोजित होने जा रही है, जिसकी सूचना हम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को भेज चुके हैं।
उनसे निवेदन किया है कि सभी सदस्य कार्यालयों को मेल से इसे भेज दें और उसके साथ एक परफॉर्म है, एक प्रपत्र है जिसे तकनीकी संगोष्ठी के लिए विशेष करके वो प्रपत्र है उसे भर करके आपको उसी सूचना प्रबंधन प्रणाली में अपलोड करना है अपने कार्यालय कोड के साथ। तो मेरा यहाँ ये भी निवेदन है जो राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर हमारे इस समिति के सदस्य कार्यालय पंजीकृत नहीं है वे कृपया अविलंब पंजीकरण करा लें, वरना वो तकनीकी संगोष्ठी में जो सूचनाएं मांगी गई हैं उन्हें भेज पाने में समर्थ नहीं होंगे। वो परफॉर्मा भर के अपलोड करना है, हमारे यहाँ पर एक हार्ड कॉपी भी आपको भेजनी है। दूसरी चीज, बहुत सारे पुरस्कार हमारी ये समिति देती है, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना संघ की राजभाषा नीति का मूल मंत्र है। आज भी जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए हैं उन सबको मैं अपनी ओर से, अपने विभाग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और मुझे पक्का भरोसा है कि वो पुरस्कार निश्चित रूप से कुछ निर्धारित मानदंडों के आधार पर ही तय किए गए होंगे, उन्हें बनाए रखें, उन मानदंडों की सूचना अगर संभव हो तो हमें भी दें। हमारे साथ एक समस्या है कि हमें आपकी सभी गतिविधियों को क्षेत्रीय कार्यालयों की, मैं बात अपनी कर रहा हूँ क्षेत्रीय कार्यालय में, अगर आपकी गतिविधियों की हमें कोई सही सूचना नहीं मिलती है तो हम वेबसाइट पर आपने जो सूचनाएं अपलोड की हैं उन्हें सत्यापित किस आधार पर करें? वो सत्यापन मेरी जिम्मेदारी है, मेरे कार्यालय की जिम्मेदारी है और उसी सत्यापन के आधार पर चीजें आगे चलती। मेरे पास अगर सूचना आप नहीं देंगे तो मैं उसे कैसे सत्यापित करूंगा? जरूर इसमें आप मेरा मार्गदर्शन करें, अध्यक्ष महोदय से भी मेरा निवेदन है कि अगर वो सूचनाएं मेरे पास नहीं आएंगी तो मैं उसमें सत्यापित उसे कर पाने में असमर्थ रहूंगा। एक और चीज है जो अध्यक्ष महोदय की अनुमति से और मुख्य अतिथि महोदय की अनुमति से मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा, हमारी इस बैठक में एक चीज और अगर हो जाए तो कितना अच्छा रहे कि पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हो। पिछली बैठक के कार्यवृत्त की प्रति आप सबको मिली है, हाँ या नहीं? क्या आप उससे सहमत हैं? क्या उसमें जो विवरण दिया है उसमें कहीं कोई परिवर्तन की आवश्यकता है? क्योंकि रिकॉर्ड में कुछ और भी सूचनाएं हैं और मेरा निवेदन है कि जो सूचनाएं कागजों पर आ चुकी हैं उन सूचनाओं को कार्यवृत्त में जगह जरूर दी जाए, क्योंकि वरना मेरे लिए उसे सत्यापित कर पाना रिकॉर्ड दूसरा होने की वजह से संभव नहीं होगा। आप उस कार्यवृत्त को पढ़ें और उसके सत्यापन पर जरूर विचार विमर्श करें। मैंने 13 तारीख को एक पत्र माननीय अध्यक्ष महोदय को भिजवाया था कि महोदय नराकास की बैठक से पूर्व सदस्य कार्यालयों से उनकी कठिनाइयों के दौरान कठिनाइयों के बारे में रिपोर्ट मंगवाई जाए और अगर कोई कठिनाइयां हैं तो उसके बारे में सूचना दी जाए। तो मुझे कोई सूचना नहीं मिली है, जिसका मतलब है आपके यहाँ किसी को भी कोई कठिनाई किसी भी तरह की संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में नहीं है, ये मैं मान सकता हूं ना? आप सबकी क्या राय है इसमें? तो आपको कोई परेशानी नहीं है, सरकार ने, महामहिम राष्ट्रपति जी ने आपको हिंदी में कामकाज करने के लिए निरंतर आदेश दिए हैं, तो फिर खूब अच्छे से इस समिति को आगे ले जाएं और महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेशों, संसद द्वारा पारित राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों में जो व्यवस्था है उन्हें और माननीय संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर जो राष्ट्रपति जी के आदेश पारित हुए हैं उन सबका 100% अनुपालन आप अपने कार्यालयों में सुनिश्चित कराएं, मैं आप सबसे ये आग्रह करता हूं। और मैंने पिछली बैठक में भी आपको ये जानकारी दी थी कि महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेशों को माननीय उच्चतम न्यायालय ने, राजभाषा संबंधी आदेशों को माननीय उच्चतम न्यायालय ने 6 दिसंबर 1976 को सर्वोपरि करार दिया है, तो उन आदेशों का उल्लंघन होने ना पाए इसके लिए हम सब संकल्पबद्ध हों तो बड़ी बात होगी। इसके बाद
दूसरा एक मुद्दा है, ये मुद्दा है हमारी ये समिति विशेष रूप से उपक्रमों के लिए है। हमारे कोलकाता में चार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां हैं। एक समिति नई गठित हुई है जो कांच एवं सिरेमिक संस्थान के पास में है, जो अकादमिक संस्थाओं शोध संस्थाओं के लिए है। एक समिति है जो पूर्णतः बैंकों के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए है। एक समिति है जो केंद्रीय कार्यालयों के लिए है, और एक समिति हमारी है केवल उपक्रमों के लिए। हमारे इन 103 कार्यालयों में कम से कम 20 ऐसे हैं जो केंद्रीय सरकार के उपक्रम नहीं है। मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय से भी और जो भी केंद्रीय कार्यालयों के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं जो उपक्रम नहीं है, क्योंकि मैंने सभी उस वक्त 111 की सूची मेरे पास आई थी, 111 कार्यालयों से निवेदन किया था कि अगर आप केंद्रीय सरकार के पहले से सूचना दे दें, क्योंकि मुझसे मुख्यालय से सूचना मांगी गई थी कि ये जानकारी कराएं कि आपके यहाँ कितने मुख्यालय हैं, कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, कितने शाखा कार्यालय हैं। तो मैंने इसी को आगे बढ़ाते हुए आप सबको 111 कार्यालयों को एक्सक्लूसिवली, मतलब सबको एक एक मैंने पत्र भेजा, कृपया बताएं आपका कार्यालय क्षेत्रीय है, मुख्यालय है, या शाखा कार्यालय है, या अंचल कार्यालय है, मंडल कार्यालय है। और उसी में मैंने ये भी निवेदन किया कि अगर आप केंद्रीय सरकार के उपक्रम नहीं है तो केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए हमारे पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में जिनके पास अध्यक्षता है वहां पर एक समिति है, उसकी आप सदस्यता लें, क्योंकि उपक्रमों का कामकाज थोड़ा भिन्न है, केंद्रीय कार्यालयों का अलग है। जहां पर हमारे यहाँ पर अलग अलग समितियां उपक्रम बैंक या केंद्रीय कार्यालयों की नहीं, वहां संयुक्त समिति है, उसमें कोई मुद्दा नहीं, लेकिन यहाँ पर ये मुद्दा है। तो इस पे आप थोड़ा निर्णय लें, क्योंकि मुझे इसमें परेशानी होती है, इसको इसका निर्णय ले पाने में मुझे परेशानी होती है। बहुत सारे कार्यालयों की सूचना अब राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर वो केंद्रीय कार्यालय के रूप में पंजीकृत हैं, फिर भी हमारी इस उपक्रम समिति में सदस्य हैं, तो उनसे मेरा विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि वे कृपया केंद्रीय कार्यालय की समिति जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पास है उसकी सदस्यता लें। और माननीय अध्यक्ष महोदय से मेरी ये प्रार्थना है, सदस्य सचिव महोदय से मेरा निवेदन है कि उन्हें अगली बैठक की सूचना ना दी जाए उपक्रम की बैठक, क्योंकि उन्हें वहां पर वरना वो आप सूचना देते रहेंगे। इसमें आप देखिए एक एयरपोर्ट स्टेशन तक हमारे यहाँ पर उपक्रम बना हुआ है, मुझे नहीं जानकारी एयरपोर्ट एयरफोर्स का वायुसेना का स्टेशन केंद्रीय कार्यालय में आएगा या उपक्रम में, लेकिन लगता नहीं है कि उपक्रम में हो, तो वो थोड़ा सा इस पे विचार करें। इसके बाद बात आती है समिति, ये हमारी समिति लगातार पिछले 5 वर्षों से और विशेष करके पिछले 1.5 वर्षों से हर पत्र में ये लिख रही है, अध्यक्ष महोदय लिख रहे हैं, हमारे सदस्य सचिव महोदय लिख रहे हैं कि इस समिति की अध्यक्षता किसी अन्य कार्यालय को दी जाए। मैंने अपनी तरफ से 111 कार्यालयों को इसके बारे में पत्र भेजे, जिसकी सूचना मैंने अपने मुख्यालय को भी दी। मेरे पास में जो भी बड़े यहाँ के कार्यालय थे करीब 20-22, उनसे लिखित में ये आया कि हमारे लिए ये प्रस्ताव बड़े गौरव की बात है, लेकिन हम गौरवान्वित नहीं होना चाहते। अगर गौरव की बात है तो फिर गौरवान्वित होने से पीछे क्यों हट रहे हैं? मैंने व्यक्तिगत रूप से कितनी जगह जाकर के संपर्क किया है, हालांकि अगर सिर्फ सरकारी काम वाली बात होती तो मैं व्यक्तिगत रूप से कहीं जाके या फोन करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मैं इसे असरकारी बनाना चाहता था और मैंने पूरी ऐसी कोशिश की जिससे इसका असर हो या असरकारी साबित हो, लेकिन क्यों ऐसा लगातार हो रहा है। और मुझे ये दुख होता है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं साहब आपको हर हालत में इस समिति की अध्यक्षता करनी है, कोई बताइए मेरा पत्र हो। मैंने सिर्फ हर कार्यालय से निवेदन किया वो नहीं चाहते हैं तो किसी कोई और कार्यालय इसे ले, कृपया सहमति पत्र भेजें, लेकिन बड़ा ही बड़े प्यार से वो लिखा जाता है, ये हमारे लिए बेहद गौरव का विषय है, आपने हमें इस योग्य समझा, लेकिन हमारी बड़ी व्यवस्थाएं हैं,
आप ये देखिए कि संवैधानिक कर्तव्य को संवैधानिक दायित्वों से परे तो कुछ नहीं है, ये भी एक संवैधानिक दायित्व है। हिंदी में कामकाज करना है, जो मैंने आपको माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का विवरण दिया 6 दिसंबर 1976, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रपति जी के आदेशों द्वारा जो अनुच्छेद 344 के तहत जारी होते हैं, अनुच्छेद 351 के लक्ष्यों को प्राप्त करना है, उन्होंने उसे सरल कर दिया है। वो लक्ष्य बहुत ही एक लाइन में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हिंदी को जन जन की भाषा, भारत के जन जन की भाषा बनाना है और अंग्रेजी की जगह स्थापित करना है, इसलिए ये महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश सर्वोपरि है। तो ये हमारा संवैधानिक दायित्व भी है, नियम अनुसार किसी भी शहर के वरिष्ठतम अधिकारी को नराकास के अध्यक्ष होना चाहिए, उन्हें ये अध्यक्षता सहज स्वीकारनी चाहिए, उनका संवैधानिक दायित्व है। तो मैं ये प्रस्ताव यहाँ पे रख रहा हूं और मैं सबसे ये निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय से भी, हमारे मुख्य अतिथि और हमारे निदेशक महोदय से भी, कि ये समस्या हल होनी चाहिए। ये समिति अगर नहीं चाहती है, हमारी वर्तमान जो सचिवालय है उनके पास ये समिति रहे, तो कोई इसे तत्काल दूसरे कार्यालय को स्वीकार करना चाहिए। अगर मेरे प्रयासों में कहीं कोई कमी हो इस मामले में तो आप निसंकोच बता सकते हैं सर आपने हमसे संपर्क नहीं किया है। मैं तत्काल, अगर कोई छूट गया है, मैं तत्काल यहां से मीटिंग खत्म होते ही मैं चिट पत्र लेकर के आपके यहां पहुंचता हूं। लेकिन यह समस्या हल होनी चाहिए, मतलब दिल से अगर बात ना बन रही हो, अगर हम बैठक इतनी अच्छी करते हैं और हर पत्र में लिख देते हैं किसी और के लिए, तो इसमें दिल वाली बात नहीं बचती है। और मैं दिल के मामले को सबसे ज्यादा महत्व देता हूं, क्योंकि जब तक हिंदी दिल का मामला नहीं बनेगा तब तक हम यों ही इस कार्रवाई को चलाते रहेंगे। बात जो हमें संवैधानिक दायित्वों के तहत करनी है वो शायद हम ऐसी स्थिति में पूरी तरह नहीं कर पाएंगे। तो आप सब इसमें हम, मतलब आप सब मेरी भी सहायता करें, अपनी भी सहायता करें, क्योंकि ये समिति, आप ये देखिए मेरे पास 4 उपक्रम की समितियां हैं इस क्षेत्र में, 4 बैंक की समितियां हैं, बैंक की चारों समितियों में मुझे कोई समस्या नहीं। यही स्थिति हमारी सभी समितियों की होनी चाहिए। गया में एक समिति थी, संयुक्त समिति, 5-6 साल से उसकी बैठक ही नहीं हो पा रही थी। मैंने वहां पे लगातार कोशिश की, गया जाकर के समिति की बैठक, लाजवाब बैठक वहां पे हुई और अध्यक्षता परिवर्तन का मुद्दा भी तत्काल हल हुआ। माननीय हमारे निदेशक महोदय ने भी उस पे आगे सारी कार्रवाई करा करके वो चीज भेज दी है। पिछले 1.5 साल में जहां पर आवश्यकता थी हमने 5-6-7 समितियों की अध्यक्षता परिवर्तित कराई और कोई समस्या नहीं। तो ये समस्या मुझे पक्का भरोसा है कि अगर आप दिल से जोड़ के चलेंगे तो यहां भी नहीं आएगी। और अंत में क्षमा प्रार्थना के साथ 2 पंक्तियां कह रहा हूं, कोई शायरी मैं यहां नहीं कर रहा हूं, मैं शायर हूं भी नहीं। एक पंक्ति है जो मैंने गैंगटॉक में भी कही थी कि रिपोर्टों में जब आप आंकड़े देते हैं तो उससे पहली लाइन होती है, इसमें दिए गए आंकड़े कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर है और मेरी जानकारी के अनुसार पूरी तरह सही है। ये एक तरह का शपथ पत्र जैसा ही है, फिर भी आंकड़ों में अगर कहीं पे समस्या आती है तो फिर इस पंक्ति का कोई अर्थ नहीं बचता है। तो जैसे नकली नोटों से आतंकवाद बढ़ता है, ऐसे ही नकली आंकड़ों से सद्भावना घटती है। और हमारी संघ की राजभाषा नीति में सद्भावना एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। प्रेरणा, प्रोत्साहन, सद्भावना। प्रेरणा काम करने के लिए, प्रोत्साहन हिंदी में काम करने के लिए, कितने पुरस्कार आपको मिल रहे हैं, लेकिन क्या ये प्रेरणा प्रोत्साहन काम ना करने के लिए भी संभव है? नहीं। तो इसे आप पक्का करें कि हम काम करेंगे और एक बार प्रतिदिन जरा विचार करना शुरू करें कि आज हमने कितनी जगह अपना नाम अपनी भाषा में लिखा। पिछले 1 महीने में हमें से कितने लोगों ने अपनी भाषा में अपना नाम लिखा है, इस पर विचार करना शुरू करें। अपनी ईमेल,
आज व्हाट्सएप में बहुत सारी तकनीकी चीजें यहाँ पे बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं समय बहुत ले चुका हूँ, मुझे मालूम है, उस पे मैं नहीं जा रहा हूँ। तो हम अपना अपने व्यक्तिगत ही में चलिए कार्यालय में बात की बात है, क्योंकि दिल से तो तभी जुड़ेगा ना जब हम व्यक्तिगत रूप से भी, हम अपने निजी ईमेल कितने अपनी भाषा में भेज रहे हैं, हम कितने व्हाट्सएप संदेश अपनी भाषा में भेज रहे हैं, कितने फेसबुक पर हम पोस्ट हिंदी या अपनी भाषा में डाल रहे हैं। और आप विचार कीजिए आज से 35 साल बाद जब हमारी तीसरी पीढ़ी यहां पर होगी, मेरे बच्चे उनके बच्चे और उनके बच्चे, जो आज हिंदी की पुस्तकें घर में होते हुए भी देखकर एक तरफ रख देते हैं, जो व्हाट्सएप मैसेज अगर हिंदी में भी भेज रहे हैं तो रोमन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो 35 साल बाद भाषा के रूप में अपनी भारतीय भाषाओं को समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे? और अगर हम इसमें उन्हें सक्षम नहीं बना पा रहे हैं तो हम जो हमारी पुरानी पीढ़ी ने हमें विरासत सौंपी थी उसे अगली पीढ़ी को नहीं सौंप पा रहे हैं। उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आप सबसे एक मेरा ये व्यक्तिगत अनुरोध भी है, और दफ्तर में तो जिस दिन हम नौकरी में आ गए हस्ताक्षर कर दिए, सारे नीति नियम कायदे कानून आदि इत्यादि नो नो मैं सबका पालन करूंगा, वो तो करना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, आपने राजभाषा कार्यान्वयन के हर बिंदु पर हमारा मार्गदर्शन किया, राजभाषा तिमाही प्रगति रिपोर्ट की मतवार जानकारी दी, राजभाषा नियमों अधिनियमों का भी जिक्र किया। महाशय, आपके सुझाव मार्गदर्शन से समिति को अवश्य लाभ मिलेगा, ये दिल की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।